हेलो एवरीवन, आजकल कैंची धाम नीम करोली बाबा आश्रम बहुत ही ट्रेंड में है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कैंची धाम की यात्रा कराई जाए। हम लोग आपको आज कैंची धाम घुमाने वाले हैं। कैंची धाम उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर एकांत पर्वतीय आश्रम है। मंदिर का उद्घाटन जून 1964 में हुआ था। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। हमारी यह यात्रा नैनीताल से शुरू हो गई है। हम लोग रोड के द्वारा नैनीताल से कैंची धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। यहाँ से नैनीताल से होते हुए हम लोग कैंची धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। नैनीताल से कैंची धाम 38 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। नैनीताल में कैंची धाम की बहुत ही मान्यता है। रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी है। कैंची धाम जिस रास्ते पे है, ये अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता है। सबसे पहले हम लोग भवाली या भवाली भी जिसे उत्तराखंड की भाषा में कहा जाता है, पहुंचते हैं। अब एक साइन बोर्ड हम लोगों को देखने को मिला है जिस पे लिखा है भवाली 2 किलोमीटर और अल्मोड़ा भी साथ में लिखा है जो कि 55 किलोमीटर है। हम लोग इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक बहुत देखने को मिल रहा है। चील के वृक्ष दोनों ओर सड़क में नजर आ रहे हैं और रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग भवाली की मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। भवाली से आश्रम 8 किलोमीटर की दूरी पर है। भवाली नैनीताल से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड की तरफ होते हुए आश्रम की ओर बढ़ेंगे। हम लोग भवाली के बाजार को देख रहे हैं जो काफी अच्छा है और सारी जरूरत की चीजें हम लोगों को मिल जाती है। आश्रम से ये सबसे नजदीक है। यहाँ भी आप लोग होटल में या होम स्टे में रह सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे भवाली से आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में घना जंगल है। अब हम लोगों को देवदार के वृक्ष भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों तरफ देवदार के घने जंगल इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। भवाली की सीमा से कैंची धाम 6 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। ट्रैफिक इन दिनों जोरों पर है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। सड़क के दोनों ओर घना जंगल है। हम लोग कैंची धाम की ओर जा रहे हैं। लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम बहुत ही सुंदर है और यहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ है। नेचर में घिरा हुआ ये वातावरण बहुत ही सुंदर दिखता है। कैंची धाम आश्रम चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों पे बहुत घना जंगल है। बादल भी ऊपर आसमान में नजर आ रहे हैं। रास्ते में 2-3 दुकानें भी हम लोगों को नजर आ रही हैं। अब ऊपर से कैंची धाम आश्रम का नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम लोग आश्रम को ऊपर से देख रहे हैं। आश्रम पहाड़ों के बीचों बीच है और साथ में जो नदी है वो अभी थोड़ा इसमें कम पानी है, लेकिन सुंदर लग रही है। लोग अपने अपने फोटोग्राफी पे लगे हुए हैं। कैंची धाम का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आके लोगों को बहुत ही सुकून महसूस होता है। यहाँ आके लोगों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है और जो लोग नेचर प्रेमी हैं उनके लिए ये एक अच्छी लोकेशन है। पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान देखने में बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। पहाड़ों के बीच में ये आश्रम बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। बाहर आश्रम के एक तरफ नदी बह रही है। बरसात में नदी बहुत ही ज्यादा जोरों पर होती है।
बरसात में ये नदी पानी से पूरी तरह भर जाती है। आजकल मई मंथ में पानी का बहाव थोड़ा कम है। आश्रम के नियम बहुत ही कड़े हैं, नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को सुबह और शाम आरती में भाग लेना आवश्यक होता है। आश्रम वर्ष के एक बड़े हिस्से में बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ गिरती है और वातावरण बहुत ही ठंडा होता है। आश्रम के गेट से हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। सामने एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है जहाँ से हम लोग आश्रम की ओर जाएंगे। सामने आश्रम दिखाई पड़ रहा है, इसी गेट से होते हुए हम लोग अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। मानसिक शांति का अनुभव हुआ। कैंची धाम आश्रम अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए मशहूर है। जब भी नैनीताल आए तो कैंची धाम आश्रम भी जरूर आए।